मौका आता है तो हमारे जो मुखालिफ लोग हैं, विरोधी लोग हैं, फौरन मुसलमानों को बहकाने के लिए वो ईमान को बीच में ले आते कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट दिया तो वो ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। पूरा कुरान में कहीं यह साबित नहीं कर सकते कि इससे ईमान खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं है, एक सियासी मामला है, राजनीतिक मामला है। इसमें हमें जमीन पर रह के अपने अच्छे बुरे को खुद समझना। तो कोई बड़े से बड़ा आलिम भी मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ, ये लिख कर देने कि एक भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से आपका ईमान खतरे में पड़ जाएगा, लिख कर दे दे मुझे। नहीं बोलेंगे जरूर, मगर कहेंगे कुछ और। दूसरी चीज, जिस चीज से जो इस्लाम के खिलाफ है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए, जब मैं और आप किसी से कोई नेकी का काम करते हैं, अच्छाई का काम करते हैं, हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं या हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपका शुक्रिया, आपका एहसान है। कोई हमारे साथ अच्छा सलूक करे तो हम उसके एहसान को मानते हैं, शुक्र अदा करते हैं उसके। एक हदीस में आता है कि जो लोगों का शुक्र अदा न करे वो खुदा का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। ये हदीस। तो अब ये बताइए कि हम इस भारतीय जनता पार्टी से सारे मुसलमान, सारे हिंदू भाई, कितनी योजनाएं हैं जिससे हम फायदा उठा रहे हैं? आयुष्मान योजना, दो साल से हमें बराबर दो दो महीने का मिल रहा है, हमारे इलाज फ्री हो रहे हैं। बच्चों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, वृद्धों के लिए पेंशन योजना, दसियों योजनाएं हैं जिसका हम फायदा उठा रहे हैं। कभी हमने बोला कि मोदी थैंक्स? क्यों नहीं बोला? ये तो ये है इस्लाम के खिलाफ कि हम जिससे फायदा उठा रहे हैं शुक्र अदा नहीं कर सकते, उसका तो खुदा का शुक्र कैसे अदा करूंगे? इंसानों का पहले नहीं है। हमारे रिहान डॉक्टर सिद्दीकी, रिहान सिद्दीकी साहब, आप सब जानते हैं कि पार्षद नहीं थे जब भी उन्होंने काम किया, और जब उनको मौका मिला तब भी और आज तक इनके काम जो है वो जारी है। हमारे बात फरत अब्दुल्ला के सबसे बड़ा लंबा रोड था जो आज खत्म होने को, तो अब जब हम इनको चुनेंगे पूरी ताकत के साथ तो हमें उम्मीद है, और हमें मंत्री जी हमारे साथ में है, मैं इनसे भी उम्मीद रखता हूँ कि भोपाल में एक मॉडल वार्ड बनाकर हम भोपाल में पेश कर देंगे।